आप देख रहे हैं महुआ खबर, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच का विवाद अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, विवाद लगातार चलता जा रहा है और अब इसमें नया विवाद क्या है वो आपको बता देती हूँ। वो भी मीटिंग को लेकर है और उस मीटिंग को लेकर शिक्षा विभाग और राजभवन दोनों आमने सामने भिड़ गए हैं। ये तीसरी बार है जब दोनों आमने सामने भिड़े हैं। 10 दिनों के अंदर तीसरी बार है जब शिक्षा विभाग और राजभवन का टकराव हुआ है शिक्षकों को लेकर। यहाँ यूँ कह सकते हैं कि शिक्षकों पर अपने आधिपत्य को लेकर, अपने नियंत्रण को लेकर, अपने नेतृत्व को लेकर आपस में लड़ाई हो रही है और दोनों के बीच में टकराव हो जाता है। शिक्षा विभाग के अपने आदेश होते हैं, राजभवन के अपने आदेश होते हैं। अब से पहले हुआ क्या था, हुआ ये था कि 28 फरवरी को जो बैठक बुलाई गई थी शिक्षा विभाग ने, यानी के पाठक ने बैठक बुलाई गई थी ताकि सारे शिक्षक उस बैठक में पहुँच सके। उसमें शिक्षा को लेकर चर्चा होनी थी, समय को लेकर चर्चा होनी थी, पढ़ाई को लेकर बातचीत होनी थी, विषयों को लेकर बातचीत होनी थी। ये बात के पाठक की तरफ से खुद बताई गई थी कि इन विषयों को लेकर बातचीत होनी है। इसीलिए शिक्षकों की, कुलपतियों की, जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कुल सचिव हैं, रजिस्ट्रार हैं, उन सबको बुलाया गया था। होता क्या है बीच में कि राजभवन की तरफ से आदेश आता है कि कोई भी उस बैठक में नहीं जाएगा। शिक्षक कंफ्यूज थे, हम जाएं या फिर ना जाएं, हम राजभवन का आदेश माने या फिर हम शिक्षा विभाग का आदेश माने। फिर लास्ट में होता यह है कि राजभवन का आदेश मानते हैं और उस मीटिंग में कोई भी कुलपति, कोई रजिस्ट्रार नहीं जाता है। इस बात पर शिक्षा विभाग को गुस्सा आता है और बड़ी कार्रवाई भी शिक्षकों पर होती है। कार्रवाई ये होती है कि उनके बैंक खातों के संचालन पर रोक लगा दी जाती है, उनके वेतन पर रोक लगा दी जाती है और एक एक करके सब पर FIR दर्ज करने के भी आदेश दे दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और आपको ये भी बता दें कि ये कार्रवाई, हालांकि ये जो बैंक खातों का संचालन है उसे रोक तो हटा दी गई है, लेकिन रोक सिर्फ एक शर्त पर हटाई गई है। वो शर्त मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बता देती हूँ अभी मामला क्या है। अभी मामला ये है कि 9 मार्च को एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने बैठक बुलाई है कुलपतियों की, रजिस्ट्रार की, कुल सचिवों की। 9 मार्च को ये बैठक होनी है, लेकिन अब इस बीच में फिर राजभवन कूद गया है। अब राजभवन ने आदेश दे दिया है कि कोई भी कुलपति उस बैठक में नहीं जाएगा, कोई भी कुल सचिव, रजिस्ट्रार उस बैठक में शामिल नहीं होगा। यानी एक बार फिर से टकराव सामने आ गया है। अब कुलपति फिर से कंफ्यूज है कि हम शिक्षा विभाग का आदेश माने या फिर राजभवन का आदेश माने। 9 मार्च को बैठक होनी है, सिर्फ एक दिन इसमें बचा है, अब आदेश किसका माना जाए। शिक्षा विभाग बैठक में बुला रहा है, राजभवन फिर से मना कर रहा है। अगर राजभवन की मानते हैं तो फिर से शिक्षा विभाग उन पर बड़ी कोई कार्रवाई कर सकता है, राजभवन की नहीं मानते हैं तब भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो अभी भी जो कुलपति है वो कंफ्यूज है। अब यहां पर आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, जो बैंक खातों से रोक लगाई गई है, हटाई गई है, जो बैंक खातों से रोक शिक्षा विभाग ने सिर्फ एक शर्त पर हटाई है। वो शर्तों के साथ रोक हटाई गई है, देखिए रोक भी ऐसे नहीं हटी है, शर्तें कुछ रखी गई। और उसमें जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि कुछ शर्तें ये थी कि 9 मार्च को जो बैठक होगी, शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि सभी कुलपतियों को उस बैठक में उपस्थित होना होगा, सभी को पहुंचना होगा, उसी शर्त पर बैंक खातों के संचालन की रोक हटाई जाती है। तो बैंक खातों के संचालन की रोक इसी शर्त पर हटाई गई ताकि वो 9 मार्च को बैठक में पहुंच सके। अब देखते हैं कुलपतियों का फैसला क्या होगा, वो शिक्षा विभाग की बात मानते हैं या फिर राजभवन की बात मानते हैं, बैठक में पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा।